दोस्तों, एस एम बाज़ार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हमारा एक बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ये सॉफ्टवेयर का पूरा डेमोस्ट्रेशन अभी मैं दिखाऊंगा और ये सॉफ्टवेयर का बहुत सारा वीडियो पार्ट में आने वाला है। तो आज मैं बुकिंग का सेक्शन में सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा और बाकी के जो सेक्शन से हम आगे आने वाले वीडियोस में हम एक्सप्लेन करेंगे। और आपको पता है, ट्रांसपोर्ट बिजनेस में ट्रैकिंग एक बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है। जैसे एक ब्रांच में कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी पैकेट बुकिंग होता है या कोई भी चालान बुकिंग होता है, वो दूसरे ब्रांच में, मतलब जिस ब्रांच में वो डिलीवर होगा या फिर जाने वाला है डेस्टिनेशन ब्रांच, उसमें तुरंत दिखना चाहिए। और ये हर एक ट्रांसपोर्टर का रिक्वायरमेंट रहता है और हमारा सॉफ्टवेयर ये बहुत आसानी से आपको सॉल्व कर देता है। कोई भी ब्रांच में आप माल बुकिंग कीजिए और जिस ब्रांच में आप माल सेंड कर रहे हैं या डेस्टिनेशन है, उसमें तुरंत दिख जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर में। जो माल बुकिंग होते ही आपके जो कॉन्साइनी और कॉन्साइनर है, जो माल भेजने वाला और जो माल रिसीव करने वाला, दोनों को तुरंत SMS मिल जाएगा नोटिफिकेशन। लेकिन ये ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है कि ये आपको यूज़ करना ही है। और ये सॉफ्टवेयर में अभी लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा कैसे ये सॉफ्टवेयर काम करता है और इसका फीचर्स क्या क्या है। और मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराना है तो आप हमारा वीडियो अभी एंजॉय कीजिए। और ये पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए कि आपको पूरा नॉलेज पक्का मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं रायपुर वन एक ब्रांच है जिसमें मैं लॉगिन कर रहा हूँ, और रायपुर वन में मैं चालान बुकिंग करूँगा कोई भी कंसाइनमेंट नोट। और ये चालान कैसे हमारा दूसरे ब्रांच, जिस ब्रांच में मैं माल भेज रहा हूँ, उसी में दिख जाएगा तुरंत, वो वाला चीज़ मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी लॉगिन कर लेता हूँ सबसे पहले। और ये लॉगिन टाइप दो तरीके रहता है, एक है ब्रांच का लॉगिन और एक है एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन। ठीक है, तो अभी ब्रांच लॉगिन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, रायपुर वन से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। देखिए लॉगिन हो चुका है, और लॉगिन होते ही हमारे सॉफ्टवेयर में आपको ये सारे ऑप्शंस देखेंगे। जैसे सबसे पहले आपको मिलेगा होम, होम स्क्रीन पे आपको कुछ डैशबोर्ड मिल जाएगा जिसमें कुछ टुडेज बिलिंग या फिर लास्ट 7 दिन में कितना माल बुकिंग हुआ है, लास्ट 30 डेज में कितना हुआ है और लास्ट 90 डेज में आपका कितना बिजनेस हुआ है। और सेकेंड वाला मेनू है बुकिंग, जैसे कोई भी ट्रांसपोर्ट का सबसे पहले काम होता है बुकिंग का, और यही बुकिंग वाला हमने सॉफ्टवेयर में फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया है। और आज मैं ये बुकिंग सेक्शन ही एक्सप्लेन करूँगा। और इसके बाद रहता है लोडिंग, फिर डैस्पैच, फिर होता है रिसीव, जो माल दूसरे ब्रांच से जो आ रहा है इस ब्रांच में वो रिसीव होता है, फिर होता है कस्टमर को डिलीवरी, और सारी चीज़ ख़त्म होने के बाद होता है अकाउंटिंग, जो आपका पैसे वाला काम है वो इसमें रहता है। और जो भी स्टेटमेंट रहता है वो स्टेटमेंट मेनू पे मिलेगा, और सारे सेटिंग्स आपको मास्टर मेनू पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले अभी जो मेरा मेन वीडियो का मकसद था आज, बुकिंग वाला सेक्शन, तो हम बुकिंग वाला पे जाते हैं। और बाकी के जो सेक्शन से हम आने वाले वीडियो में एक एक करके आपको पूरा पक्का नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए बुकिंग पे क्लिक करते ही आपको ये सारे ऑप्शंस दिख जाएगा, और आपको सबसे पहले कॉन्साइनमेंट बुकिंग रजिस्टर पे क्लिक करना है। आप शॉर्टकट की से भी जा सकते हैं, Ctrl+B से आप जा सकते हैं, या फिर आप इस वाले लिंक पे आप क्लिक करके भी जा सकते हैं। क्लिक करते ही आपको जो पहले जितने वाले माल बुकिंग है वो आपको दिख जाएगा, और आपको नया बुकिंग के लिए क्रिएट न्यू CN, बिल्टी या फिर कॉन्साइनमेंट, जो भी आपको आसान समझ में लगे वो इसमें क्लिक कीजिए, मतलब क्रिएट न्यू पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ES विंडो पे आपको सॉफ्टवेयर लेके आएगा जिसमें आपका कितना माल, कितने पैकेट, कितने क्वांटिटी का बुकिंग हो रहा है। ठीक है, और मैं बता दूं, ये सॉफ्टवेयर में आपको एक से ज़्यादा माल भी आप बुक कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू आपका रिक्वायरमेंट। आप बैकएंड पे, ये मास्टर सेटिंग पे हमारा ऑप्शन है, आप एक से ज़्यादा माल बुकिंग करने के लिए वहाँ सेटिंग रहता है, एक माल, दो माल या 10 माल, जितने भी आपको चाहिए वो वहाँ आप कर देने से यहाँ ऑटोमेटिक नंबर ऑफ रोज आपको दिख जाएगा। तो अभी के लिए सेटिंग में मैं एक प्रोडक्ट को मैं दिखा रहा हूँ।
तो मान लीजिए एक क्वांटिटी का एक बहुत बड़ा पैकेट है जिसमें अभी मान लीजिए रेडीमेड गुड्स या फिर कुछ भी कपड़ा जा रहा है, और एच एस एन कोड आपको मालूम होगा, कोई भी प्रोडक्ट जब शिपिंग होता है उसका एक एच एस एन कोड रहता है कस्टमर के, जो इनवॉइस रहता है, जो कॉन्साइनर के इनवॉइस रहता है, कॉन्साइनी का इनवॉइस में वो एच एस एन कोड रहता है, वो आप वहाँ से देख के बिठा दीजिएगा। मैं एक ऐसे नंबर ले रहा हूँ, और एक्चुअल वेट, जो प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट रहता है वो आप जैसे मान लीजिए 500 किलोग्राम, और आप यहाँ ऑप्शन रहता है क्विंटल या लीटर टॉन जो भी है, आप यहाँ से मास्टर सेटिंग से आप ऐड कर पाएंगे। फिर आता है ग्रॉस वेट, मान लीजिए 600 किलो इसका ग्रॉस वेट है। फिर यहाँ आता है आपका टैक्स स्लैब, जो टैक्स स्लैब से आपका प्रोडक्ट जा रहा है, जैसे मान लीजिए अभी 5% में मान लेता हूँ। अभी सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ आता है रेट एज पर, बाई वेट भी होता है, ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे कैटेगरी में रेट होता है, जैसे बाई वेट, वेट मतलब आपका माल का वजन कितना है, और पार किलो के हिसाब से, मान लीजिए अगर पार किलो के हिसाब से, वेट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, तो अगर 10 रुपये पार किलो आप ले रहे हैं तो ये पार किलो कैलकुलेट करेगा, ठीक है। अगर आपको पार किलो नहीं, आपको वॉल्यूम मतलब ये माल आपका जितना भी हो इसका टोटल हमें 10,000 रुपये या 5,000 रुपये मुझे भाड़ा चाहिए आपका ये माल शिपिंग कराने के लिए, उस केस में आप वॉल्यूम सिलेक्ट करेंगे, तो जस्ट 5,000 सिलेक्ट करके आपको सबमिट करना है, टैक्स ऑटो कैलकुलेट होगा। फिर अगर आपको क्वांटिटी के हिसाब से लेना है, बाइक मान लीजिए इसमें 200 पैकेट है, और पार पैकेट का आपको 100 रुपये करके अपने रेट लगाया है कस्टमर को, तो उस हिसाब से अभी कैलकुलेट कर लेगा। देखिए अभी 20,000 रुपये हो चुका है, और इसका टैक्स 5% के हिसाब से बिल हो चुका है, बाई क्वांटिटी अभी ये प्रोडक्ट बुकिंग हो गया। तो आपने देखा कैसे तीन कैटेगरी के तीन तरीके से हमारा ये माल बुकिंग होता है। तो मैंने ये वाला चीज़ आपको क्लियर हो चुका है, अभी मैं दिखा दिया, अभी मैं बाई वेट आपका प्रोडक्ट में मान लेता हूँ, वेट के हिसाब से मैं ले लिया और चेकआउट करता हूँ। अभी चेकआउट करते ही आपको यहाँ कॉन्साइनर, जो माल भेजता है उसको कॉन्साइनर बोलता है, आप सबको मालूम है, तो जिन लोगों को मालूम नहीं उनके लिए कॉन्साइनर मतलब जो माल भेज रहा है। तो और हमारा सॉफ्टवेयर में इसमें जो पहले से जो वाला पार्टी आपके पास यहाँ बनाया हुआ है या फिर एक बार माल शिपिंग कर चुका है आपके थ्रू, तो ये राइट साइड में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप जस्ट यहाँ सबमिट नाउ पे सिलेक्ट करते ही वो कॉन्साइनर सिलेक्ट हो जाएगा। तो मतलब आप समझ लीजिए कितना टाइम आपको बच रहा है, एक बार एक कॉन्साइनर बना दिया, नेक्स्ट टाइम उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबमिट नाउ पे मैं अभी क्लिक कर देता हूँ। अभी कोई भी दूसरा पार्टी है जिसको आप माल भेज रहे हैं, अभी मैं डोंगरगढ़ को माल भेजूंगा, तो डोंगरगढ़ का एक पार्टी मैंने ले लिया, तो ये जो पार्टी है इस वाला पार्टी को माल भेज रहा है। तो सबसे पहले वाला यहाँ ऑप्शन रहता है कि बुकिंग डेट, माल कौन से डेट में बुकिंग हो रहा है, जैसे मैं आज के डेट में मैं माल बुकिंग ले रहा हूँ, और इसका बिल्टी टाइप GST इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस होगा या फिर चालान होगा। अगर आपको चालान बनाना है तो इस बुकिंग चालान सिलेक्ट करेंगे, टैक्स इनवॉइस अगर बनाना है तो GST इनवॉइस सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ से बुकिंग रेफरेंस मतलब जिस ब्रांच से माल बुकिंग हो रहा है, जिस रेफरेंस से माल आया है, जैसे मान लीजिए हर एक ट्रांसपोर्टर का बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं, एक ब्रांच के अंडर में बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, चाहे जिस जिस पॉइंट से माल आता है, तो बुकिंग रेफरेंस हम वही बोल रहे हैं कि कौन से पॉइंट से आपका माल आ रहा है। और सेकेंड आता है किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू माल आता है, जैसे वो आपको बिजनेस देता है, तो वो वाला ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल है। ब्रोकर डिटेल्स में जाके आपका जो, जैसे मैंने यहाँ एक ब्रोकर पहले से बना के रखे हैं, तो ये वाला ब्रोकर के सोर्स से आपका बुकिंग आया है, तो ये वाला ब्रोकर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई ब्रोकर नहीं है तो डायरेक्ट कस्टमर आप सिलेक्ट करेंगे, तो ये सॉफ्टवेयर में ब्रोकर वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। देन अभी मैं यहाँ ब्रोकर सिलेक्ट कर दिया, और सप्लाई टाइप इनवर्ट दे दिया, साफ सप्लाई टाइप सप्लाई, डॉक्यूमेंट टाइप इनवॉइस, और जो कस्टमर आपको इनवॉइस दिया उसका डेट कौन सा, मान लीजिए 8 तारीख का इनवॉइस है, फिर उसका बिल नंबर, एक बिल नंबर आप डाल देता हूँ मैं यहाँ, जिस बिल नंबर से उसका माल
जा रहा है और उसका वैल्यू क्या है प्रोडक्ट का। मान लीजिए 60,000 प्रोडक्ट्स वैल्यू, और टैक्स पेड बाई कौन है, मतलब ये जो माल आप शिपिंग कर रहे हो इसका टैक्स कौन पे करेगा, कॉन्साइनर, कॉन्साइनी या फिर ट्रांसपोर्टर। तो आपको अगर प्रॉपरली सिलेक्ट कर करना समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मली ट्रांसपोर्टर ऑप्शन देने से टैक्स ट्रांसपोर्टर पे करेगा कस्टमर से लेके, मतलब कंसाइनी और कंसाइनर कोई भी हो जिनसे आपको टैक्स कलेक्ट करना है, फिर गवर्नमेंट को पैसा जमा करना है। अगर नहीं, मैं कलेक्ट नहीं करूँगा, ये टैक्स वाला झंझट कस्टमर के ऊपर ही छोड़ता हूँ, तो आपको कंसाइनर या कंसाइनी सिलेक्ट करना है। तो इस केस में आपको क्या करना है, कस्टमर को पूछ लेना है कि पैसा कौन देगा टैक्स, उस केस में आप ये वाला उसी हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। तो अभी मैं ये कंसाइनी सिलेक्ट कर देता हूँ और ट्रांसपोर्टेशन मोड मैं यहाँ हमारे सॉफ्टवेयर में दे दिया सारे ट्रांसपोर्टेशन मोड, रोड, रेल यार और शिप जो भी है। तो मैं अभी रोड वाला सिलेक्ट कर देता हूँ, और हमारा बुकिंग ब्रांच है रायपुर, और हमारा जिस ब्रांच पे माल जा रहा है वो है डोंगरगढ़, ठीक है। और पेमेंट टर्म मैं सिलेक्ट कर देता हूँ टू बी बिल या टू पे, जो आपको आसान लगे वो आप सिलेक्ट कर दीजिए। जो आप आसान मतलब क्या है जी, कस्टमर के साथ आपका जो टर्म है, जिस टर्म से आपका माल जा रहा है वही चीज़ है, टू पे मैं कर देता हूँ अभी के लिए। और ये सारे चीज़ है जो कभी कभी क्या होता है, जो कॉन्साइनी है उसके एक्चुअल गोडाउन एड्रेस उसके ऑफिशियल एड्रेस से अलग रहता है, उस वाला केस में आप यहाँ शिपिंग एड्रेस लिख देंगे। और इसके बाद पैकेजिंग साइज़ क्या है, कुछ कुछ पार्टीज ऐसे हैं जैसे बड़े बड़े कंपनीज, वो लोग क्या करता है, हर एक पैकेट का एक प्राइवेट मार्क देता है, वो प्राइवेट मार्क आपको यहाँ सिलेक्ट करना है या फिर लिखना है। और इसके बाद ब्रोकर नोट या फिर कोई भी रिमार्क्स आपको माल डिलीवरी के वक्त वो जो डिलीवरी एजेंट है उसको पता, जो डिलीवरी एजेंट है वो पढ़ के दे सके, कोई भी इंस्ट्रक्शन आप यहाँ रख सकते हैं। और शिपिंग रिस्क, मतलब नॉर्मली मैक्सिमम माल ओनर रिस्क के अंडर में ही जाता है, और यहाँ से आपको कैरियर रिस्क या फिर आप नॉट अवेलेबल भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैक्सिमम केस में ओनर रिस्क पे ही माल जाता है। फिर ईवेबिल और ईवेबिल डेट अगर आपने क्रिएट किया है तो यहाँ बिठाएंगे, ये बाद में भी आप अपडेट कर पाएंगे। और डिस्टेंस आप अगर चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। फिर ये सारे चीज़ प्रॉपरली डालने के बाद आपका काम होगा सबमिट, ठीक है। ये सारे चीज़ अभी आपको क्लियर हो गया है, सबमिट। सबमिट करते ही अभी आपको सॉफ्टवेयर पूछेगा कि आप इसी वाले चीज़ में क्या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगाएंगे, जैसे पिकअप चार्ज। कभी कभी क्या होता है कि माल पिकअप करने के लिए एक्स्ट्रा आपने गाड़ी यूज़ कर दिए, जैसे ऑटो ले लिया, टेम्पो, कुछ भी आपने ठेला वाला को पैसा देना होगा। तो पिकअप चार्ज मान लीजिए जहाँ आपका ब्रांच है उससे कहीं दूर से आप माल उठा के ला रहे हैं, तो उसके लिए आप पिकअप चार्ज भी लगा सकते हैं। जैसे 500 रुपीज़ आपको पिकअप चार्ज आपने लगा दिए। और इसके बाद अगर कोई भी जैसे इंश्योरेंस हो, जो भी चार्जेस है, ये सारे कस्टमाइजेबल चार्जेस है। तो अगर डोर डिलीवरी चार्जेस अगर आप लगाना चाहते हैं, जैसे घर तक माल पहुंचाना है, तो उसके लिए कोई अगर जो भी चार्जेस आपको चाहते हैं अब ये लगा सकते हैं। और ये सारे चार्जेस कस्टमाइजेबल हैं, आप मास्टर मेनू से आप चार्जेस यहाँ ऐड कर पाएंगे, ठीक है। देन आपका काम होता है ये जो टू पे बिल है, ये पैसा कौन देगा, पैसा देने वाला मतलब ये वाला जिसके ऊपर ही लेज़र किसके नाम पे बनेगा, किसके नाम पे अकाउंट पे हिट करेगा, उसके सिलेक्शन आपको यहाँ से करना है। पेमेंट लाइबिलिटी मतलब ये जो कॉन्साइनर और कॉन्साइनी दो है, दो लोग के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, माल जा रहा है, तो पैसा कौन देगा, उसके लिए आपको यहाँ से आइदर कॉन्साइनी और कॉन्साइनर सिलेक्ट करना है। तो मान लीजिए इस वाला केस में कॉन्साइनी पैसा देगा, तो यहाँ आपको कॉन्साइनी सिलेक्ट करना है। एकदम सीधी बात है, जो पैसा देगा उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मेरे केस में मैं आशीष सिंह को मैंने सिलेक्ट कर दिया एज ए कंसाइनी, और वो वाला पैसा तो नहीं देगा, वो तो टू वो वाला बिल तो पैसा मिलेगा जब माल डिलीवर होंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ रिसीव अमाउंट पे ज़ीरो कर दिया। करने के बाद ये
हमारा काम ख़त्म, अभी हमारा काम है सिर्फ सबमिट बटन पे क्लिक करना। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही हमारा सॉफ्टवेयर पूरा कंसाइनमेंट क्रिएट हो चुका है। देखिए आपके सामने जो मैंने इतने चीज़ें अभी फॉर्म फिल किया था, हमारा कंसाइनमेंट रेडी है और ये बुकिंग पूरा रेडी हो चुका है। और इसमें आप देखिए क्या है, एकदम लेफ्ट साइड से मैं बताता हूँ, यह यहाँ होगा ट्रांसपोर्टर का लोगो, जो ट्रांसपोर्टर है उसका लोगो यहाँ लग जाएगा। और इसके बाद ट्रांसपोर्टर का नाम, आपका सारे डिटेल्स यहाँ रहेगा। और ये जो हमारा बुकिंग है, बुकिंग का जो CN नंबर है, कंसाइनमेंट नंबर है, वो यहाँ दिख जाएगा आपको एज ए बार कोड। और ये स्कैनेबल बार कोड है, आप ये बार कोड स्कैनर से स्कैन कर पाएंगे कभी भी माल डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर आता है कंसाइनमेंट नंबर, फिर हो गया डेट, और कौन से ट्रांसपोर्टेशन मोड से यह माल जा रहा है, रोड, और फ्रॉम रायपुर टू डोंगरगढ़, टू पे पेमेंट टर्म्स है, और कंसाइनी कॉपी। फिर आ गया कंसाइनर इन्फॉर्मेशन एंड कंसाइनी इन्फॉर्मेशन, शिपिंग एड्रेस। फिर आ गया आपका क्या माल जा रहा है, कपड़े का माल जा रहा है, और वेट और रेट क्या है, 10 10 रुपये। फिर हो गया आपका चार्ज, वेट 600 किलोग्राम्स, और यह 6,000 रुपये भाड़ा है। और इसके साथ क्या है, अभी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज यहाँ मैंने 600 रुपये लगाया था, और इसके साथ 500 रुपीज़ हमारा पिकअप चार्ज यहाँ आ गया, और टोटल बिल बन रहा है 6,500। और यहाँ IGST, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जा रहा है, कहीं जो जा रहा है, वो टैक्स जो होगा वो सारे यहाँ दिख जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, ये जो टैक्स से ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि ये पैसा देगा कंसाइनी, ठीक है। और फिर आ गया आपका जो कस्टमर का इनवॉइस नंबर था, और उसका कितने वैल्यू का माल जा रहा है, कौन से डेट का माल है, वही बिल नंबर, डेट, प्राइवेट मार्क अगर बिठाते तो यहाँ आ जाते क्लेम अमाउंट, वो सारे चीज़ें यहाँ आपको दिख गया। और इसमें आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आप अपने कंपनी या आपका ट्रांसपोर्ट का आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपका काम है सिर्फ प्रिंट करना। और हमारा बहुत सारे फॉर्मेट है, इसमें आप छोटे वाला बिल भी आप देख सकते हैं, देखिए कितने सुंदर करके एक छोटा सा बिल में, जो चिल्लर में काम करते हैं उन लोगों के लिए हमने एक छोटा बिल बना दिया है ये सॉफ्टवेयर में, ठीक है। और इसमें आपको जस्ट प्रिंट बटन पर क्लिक करते ही आपको ये वाला चीज़ें प्रिंट मिल जाएगा, और छोटे से बिल में ही आपको पूरा चीज़ मिल गया है। ऐसा नहीं है सिर्फ छोटे से बिल में, इसमें आपको बड़ा वाला बिल भी आप दे सकते हैं, जो वाला फॉर्मेट आपको पसंद आता है वो वाला फॉर्मेट आप यूज़ कर पाएंगे। और अगर कुछ अलग से कस्टमाइज फॉर्मेट है, वो नॉर्मली चार्जेबल है, अगर कस्टमाइज फॉर्मेट में अगर आप चाहते हैं तो वो वाला भी पॉसिबल है। तो और इसके बाद ये सारे चीज़ें, हमारा बुकिंग तो कंप्लीट हो चुका है, अभी ये बुकिंग हुआ है रायपुर ब्रांच में, और हमें अभी डोंगरगढ़ ब्रांच में दिखना है ये बुकिंग प्रॉपरली हुआ है कि नहीं। तो अभी मैं डोंगरगढ़ ब्रांच में लॉगिन कर रहा हूँ, ये डोंगरगढ़ ब्रांच में मैं लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन कर दिया। और डोंगरगढ़ ब्रांच में रिसिप्ट में मैं अभी देखिए, ये कपड़ा का जो हमारा बिलिंग था 6,500 का, ये ऑटोमेटिक हमें दिख गया है, देखिए। तो ये होता है सबसे बढ़िया चीज़ें, और आपको ये यहाँ ऑटोमेटिक आप यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो जब भी आपका रायपुर ब्रांच से कोई भी माल बुकिंग हुआ है, तुरंत आप डोंगरगढ़ ब्रांच में ये माल आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा है कैसे ये चीज़ें एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो रहा है, और आपके ट्रांसपोर्ट को ये चीज़ें कितना मदद होगा। आप एज ए ट्रांसपोर्टर, आपको ही मालूम है और आपको पता होगा कि ये सारे प्रॉब्लम्स कितने लोगों को होता है, कि माल बुकिंग जब होता है, इसके बाद माल के जो गाड़ी के साथ उसका चालान आता है, फिर जब गाड़ी पहुंचता है फिर जाके मालूम होता है कि आपका एक्चुअल में क्या बिल है, क्या है, नहीं है, वो सारे चीज़ आपको कितने दिन बाद मिलता है। और ये सॉफ्टवेयर होने के बाद आपका तुरंत मिल जाता है, और कोई भी पार्टी का माल कब बुकिंग हुआ, कौन से डेट में बुकिंग हुआ, उसका डिस्पैच कौन से डेट में होगा, हो रहा है, वो कहाँ से क्या हो रहा है, वो सारे डिटेल उसमें आपको तुरंत दिख रहा है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा रिसीविंग ब्रांच, और ये वाला हमारा हो गया बुकिंग ब्रांच। तो बुकिंग पे भी हमें दिख रहा है और रिसीव में भी दिख रहा है। तो आज जैसे मैंने आपको बताया था, ये चीज़ें मैंने टोटली आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और बुकिंग रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको पूछना है हमारे कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोडिंग का सेक्शन हम एक्सप्लेन करेंगे, और वो वाला वीडियो आप आने वाले दिनों में आपको मिलेगा। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए कि आपको आगे का वीडियो
आसानी से मिल जाए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।